हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ सूरन की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इस सूरन को कहीं कहीं ओल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टेस्टी सब्जी को मैंने किस तरह से बनाया है। सबसे पहले मैं अपने हाथों में सरसों का तेल लगा लूँगी, उसके बाद सूरन को छिल के कट कर लूँगी। तो मैं इसे छिल के काट के तैयार कर लेती हूँ। तो आप भी हाथों में तेल ज़रूर लगा लीजिएगा, नहीं तो इससे आपके हाथों में खुजली होगी। अब यहाँ पर मैं एक कुकर में सभी सूरन को डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर उबलने के लिए रख देती हूँ। गैस का फ्लेम तेज करके बस एक सीटी लगाना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच नमक और आधा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से सूरन में जो खुजली होती है वह ख़त्म हो जाती है। इसमें बस एक सीटी लगाना है, ज़्यादा गलाना नहीं है। तो इसे मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ उबलने के लिए। अब यहाँ पर मैं मसाले पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मसाले में है 2 पोटली लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और यहाँ पर है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और 1 चम्मच जीरा। अब इन सभी को मैं मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से बारीक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे मसाले को हमें पीस कर तैयार कर लेना है। तो मैं इसे पीस के तैयार कर लेती हूँ। मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से पेस्ट तैयार कर ली है। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पर अपने स्वाद के अनुसार मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को मिलाकर साइड कर लेंगे। अब ये देखिए, सूरन भी हमारा हो चुका है, सीटी लग चुका है और सीटी रिलीज भी हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे गलाया नहीं है, बस थोड़ा सा ही उबाली हूँ एक सीटी लगाकर, क्योंकि इसको हम कुकर में बनाएंगे। तो इस सूरन को हम पानी से निकाल के छान छान के एक बर्तन में रखते जाएंगे और इस बचे हुए पानी को फेंक देंगे, इसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल देकर सूरन को हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर सूरन को ठंडा होने के बाद ही फ्राई करना है। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है। तेल जब गर्म हो जाए तो इस सूरन को डालकर अच्छे से फ्राई करना है। सूरन को फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ हाई रखा है, हाई फ्लेम में ही इसे अच्छे से भून कर तैयार कर लेना है। थोड़ी बाद आप देख सकते हैं कि फ्राई होने लगा है, इसमें कलर आने लगे हैं। अब ये 4 से 5 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसे अब मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। सूरन को हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है, तभी सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। अब चलिए हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है, उसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ। तेल लगभग 5 से 6 चम्मच होंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। तेल जब गर्म हो जाए तो थोड़ा सा हम इसमें हींग डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम 2 लाल मिर्च डाल देंगे और फिर इसमें 2 तेज़पत्ता और उसके बाद 2 बड़े साइज का प्याज डालूंगी। प्याज को मैंने बारीक काट कर तैयार कर लिया था, अच्छे से भूनेंगे।
जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का प्याज भुन जाए तो फिर इसमें हम मसाले डालेंगे जो हमने मिक्सी में पीस के तैयार करके रखा था। तो इन सभी मसालों को डालकर इसे हमें 4 से 5 मिनट तक भून कर तैयार करना है। मसालों को भूनते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर हमें मसाले को भून कर तैयार करना है, तभी मसाले अच्छे से भून कर तैयार होंगे और सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और लो फ्लेम पर ही ढक ढक के मसाले को 5 से 6 मिनट तक भून लूँगी। धीमी आंच में मसाले भूनते हैं तो मसाले अच्छे से भुनाते हैं और अच्छा टेस्ट उभर के आता है। मैंने मसाले को लगभग 5 मिनट भून चुकी हूँ। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच मीट मसाला। मीट मसाला डाल देने से मसाले का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ पर डाल देती हूँ 1 टमाटर। अब टमाटर डालने के बाद भी हमें इसको 5 से 6 मिनट तक भूनना है। तो इसे मैं अच्छे से ढक ढक के अच्छे से भून कर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मसाले अच्छे से भून गए हैं, मसाले से तेल भी रिलीज होने लगा है। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं ग्रेवी के लिए पानी डालूँगी। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी का यूज कर रही हूँ। गर्म पानी डालने से सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। पानी डालने के बाद ही इसमें हम सूरन को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी डाल दी हूँ और अब सूरन को डाल देते हैं। सूरन को डालने के बाद इसे अच्छे से मिला के अब यहाँ पर हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को डालें। बाद इसे अच्छे से मिला के ढक्कन को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। तो पहले 1 सीटी आने दें हाई फ्लेम पर, उसके बाद लो फ्लेम पर इसे हमें 5 मिनट के लिए रखना है। तो 5 मिनट के बाद आपको मैं ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों, 1 सीटी के बाद मैंने इसका फ्लेम लो कर दिया था 5 मिनट के लिए और ये 5 मिनट के बाद सीटी अपने आप से खुली है। तो ये देखिए, सूरन का सब्ज़ी हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप ढक्कन खोलने के बाद इसे अच्छे से पहले मिला लें। तो इसे मैंने मिला लिया और देखिए, हमारा टेस्टी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों, हमारा सूरन की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसे चावल के साथ या चपाती के साथ सर्व कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।